हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए उस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ जिसमें मैंने वाइवा और प्रैक्टिकल्स के बारे में आप लोगों को बताया था। आप लोग में से कई स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सेकंड पार्ट सर आप जल्दी से जल्दी बनाइए। एक स्टूडेंट है सर, भर दानिदिया नाम है उनका, और एक रोहित राज, जिन्होंने मतलब मुझे स्पेशली कहा कि आप सेकेंड पार्ट बनाइए। सो आज वही मैं बताता हूँ आप लोगों को कि मैंने जब प्रैक्टिकल दिया था मुझसे वाइवा में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले तो क्या हुआ था कि मैं स्कूल में गया था जहां हमारा सेंटर था प्रैक्टिकल का। स्कूल में गया तो सबसे पहले 2 घंटे का एक एग्जाम लिया गया था हमसे। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्जाम में, वो एज इट इज जो हम लोग को प्रैक्टिकल्स पूरे साल में करवाया गया था, जो लैब मैनुअल में हमने लिखा था, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सेम टू सेम क्वेश्चन थे, कोई बाहर के क्वेश्चन उसमें नहीं पूछे गए थे। तो हमने लैब मैनुअल पढ़ रखा था तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। तो 2 घंटे का वो एग्जाम हुआ था, एग्जाम मेरा अच्छा गया था। और उसके बाद सेकंड पार्ट होता है वाइवा, जो कि एक्सटर्नल और एक और टीचर रहते हैं जो आपसे लेते हैं। तो जब हम लोग को रोल नंबर वाइज वाइवा के लिए बुलाया जा रहा था, तो फिर जब मेरा रोल नंबर आया, तो शुरुआत से बताता हूँ क्या हुआ। जैसे मेरा जब रोल नंबर आया, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ यार कि मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि उसी समय मैं कोटा से आया था और कोटा में हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाई जाती है। थ्योरेटिकल पार्ट बहुत वीक हो जाता है, डेफिनेटिव पार्ट वीक हो जाता है। हमारी तैयारी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की रहती है और न्यूमेरिकल्स की रहती है। तो मैंने मेंस पे ही पूरा फोकस कर रखा था और बोर्ड का टाइम नहीं मिला था, तो उतना स्ट्रांग नहीं था थ्योरेटिक पार्ट। लेकिन प्रैक्टिकल में तो भाई भाई आया, वहां तो ओरली आपसे पूछे, वहां तो न्यूमेरिकल ओरली पूछ नहीं सकता है। और वहां मुझे बहुत काफी डर लग रहा था उस दिन की भाई अब तो मैं गया। लेकिन उस दिन मैंने कैसे किया वो मैं आप बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं गया, सबसे पहले मैं बोला जाके कि मैं कमिंग सर, मैं अंदर गया। फिर वहां पे 2-3 सर थे, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, बोला गुड मॉर्निंग, उन्होंने बोला बैठने के लिए, मैं बैठ गया वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूछा, सबसे पहला उनका क्वेश्चन था कि आपका क्या नाम है, तो मैंने बोला अमित कुमार। फिर उन्होंने शुरू किया फिजिक्स का, मैं बता रहा हूँ पहले। तो फिजिक्स में उन्होंने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट के बारे में आप बताइए, लाइट से आप क्या समझते हैं ये बताइए। तो अब क्या हुआ कि मेरे एक सर थे, आकाश गुप्ता सर नाम था, उन्होंने रे ऑप्टिक्स का पहला लाइन ही लिखवाया हुआ था, वी कैनोट सी द लाइट। अब ये बात मेरे दिमाग में उस समय आ गई, तो डेफिनेशन मुझे याद नहीं था कि लाइट के बारे में क्या बोलूं, लेकिन ये बात मुझे याद आ गई। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया कि ये बात बोल दी कि वी कैनोट सी द लाइट, सर हम लाइट को देख नहीं सकते। उनसे इंग्लिश में ही सर पूछ रहे थे उस टाइम, हिंदी में बात नहीं कर रहे थे, तो मैं इंग्लिश में ही जवाब दे रहा था। तो फिर सर बोले कि आपने बताया कि हम लाइट को नहीं देख सकते, तो हम क्या देखते हैं। तो मैं बोला कि सर हम वो देखते हैं जो दो रे जहां इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम देखते हैं। तो सर बोले कि अच्छा, दो रे इंटरसेक्ट करती है, तो तुम बताओ शीशे के अंदर तो रे नहीं पहुंच पाती है, और हम तो शीशे के अंदर भी देख पाते हैं, तो वो हम कैसे देखते हैं। तो मैंने बोला कि सर हम लाइट को तो नहीं देख पाते हैं, हम लाइट सोर्स को देख पाते हैं, जहां से लाइट आ रही है। तो सर ने बोला वेरी गुड, पहला था, पहला तो भाई निकल गया। सेकेंड क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा था कि TIR से आप क्या समझते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो एक डेफिनेटिव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डेफिनेटिव पार्ट तो नहीं, वो समझने वाला था, और मैंने काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा था TIR पे, तो मैंने वो भी बता दिया सर को, पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इतना डिग्री से अगर कम हो तो वो TIR होता है और नहीं होता है, जो भी है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा था सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक डिवाइस जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये पूछा था। तो ये भी मुझे, मेरा कंसेप्ट क्लियर था, मैंने पूरा क्लियर उनको बता दिया, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा गया था थर्ड में, थर्ड तो मैंने बता दिया। अब हुआ क्या कि लास्ट में जब हुआ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है जाओ। तो मैं जब उठने लगा, तो सर बोले कि अपने जो साथ वाले सर थे, उनको बोले कि इसको 30 out of 30 दे दो। तो मैं एकदम खुश हो गया, अंदर से खुशी की रहती कि भाई बिना तैयारी के अगर मैं ले आया। मैंने जोर से बोला थैंक यू सर, मैं खुश हो गया, और उसके बाद वहां से आ गया। तो ऐसे मेरा फिजिक्स कर गया था। अब केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि केमिस्ट्री में मुझे बुलाया गया, तो वहां सर ने एक्सपेरिमेंट ही करवा लिया था। एक्सपेरिमेंट में KMnO4 और KMnO4 की रिएक्शन सर ने बोली थी करवाने के लिए इनसे, शायद एक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, उसका नाम अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस कंपाउंड का नाम। तो उसके रिएक्शन सर ने, मतलब वहीं पे लैब प्रैक्टिकल हो रहा था, तो सर ने बोला इसका प्रैक्टिकल करो। मैंने किया, फिर सर ने बोला कि क्या ऑब्जर्व किया तुमने, तो उसका कलर चेंज हो रहा था, वो सर पर्पल कलर का KMnO4 कलरलेस हो जाता है उस रिएक्शन में, तो ये हो रहा था। तो मैंने पूरा बता दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा, मतलब और 2-4 कंपाउंड्स के मुझसे वो पूछे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, उनकी प्रॉपर्टीज पूछी।
दो चार रिएक्शन पूछे, वुड्स रिएक्शन उन्होंने ऑर्डरली पूछा, तो वुड्स रिएक्शन मुझे याद था, मैंने वुड्स रिएक्शन बताया, ऐसे किया तो केमिस्ट्री भी मेरा अच्छा प्रैक्टिकल चला गया। अब फाइन आर्ट्स में क्या हुआ था मेरे साथ, फाइन आर्ट्स में हुआ था कि फाइन आर्ट्स में बुला के एक ड्रॉइंग बनवाया गया था, पेंटिंग जिस सब्जेक्ट को कहा जाता है, ड्रॉइंग मैंने बना दिया। उसके बाद ड्रॉइंग बनाने के बाद कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ओरली दो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, हिस्ट्री से रिलेटेड था, पेंटिंग बुक में जो आती है, तो वो मुझे उतना एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था, तो मेरे वहां पे दो नंबर उन्होंने काट लिए थे, तो मुझे 60 में 58 मार्क्स उन्होंने प्रैक्टिकल में दिए थे फाइन आर्ट्स में। तो ऐसा था, तो ऐसे ही करके उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, फिर भी मेरे ठीक ठाक प्रैक्टिकल्स में मार्क्स आ गए थे। सो यही टिप्स, यही था जो मुझसे पूछा गया था, जो मैंने आपको बोला था मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। सो और भी अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और मेरे वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू ऑल द वेरी।